हेलो दोस्तों, लाइफ ऑफ स्लेश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर एनटीआर की टॉप 10 मूवी के बजट, कलेक्शन एंड वर्डिक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, हम डोंगा यह मूवी 15 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 16 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने 29 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक सुपरहिट मूवी थी। नंबर 2, आदूर सियाह मूवी 13 जनवरी 2010 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 26 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 89 करोड़ की कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 3, वृंदावनम यह मूवी 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 15 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 35 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक हिट मूवी थी। नंबर 4, बादशाह यह मूवी 4 अप्रैल 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 55 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 128 करोड़ की कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 5, रमैया वस्तैया यह मूवी 10 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 40 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 31 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक फ्लॉप मूवी थी। नंबर 6, टेम्पर यह मूवी 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 35 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 74 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक हिट मूवी थी। नंबर 7, जनता गैराज यह मूवी 1 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 40 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 135 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर 8, जया लवाकुश यह मूवी 21 सितंबर 2017 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 40 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 150 करोड़ की कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 9, अरविंदास मेहता यह मूवी 10 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 60 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 165 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर 10, RRR यह मूवी 24 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 850 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 1258 करोड़ की कमाई करी। यह मूवी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी। तो दोस्तों, इन सभी फिल्मों में से आपका फेवरेट फिल्म कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।